हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था जीवों में श्वसन। चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है। बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया किस तरह से श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की आपस में क्या बॉन्डिंग है, किस तरह से एक पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है, ये बात भी सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये बात भी सही है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आई होप आप सभी का क्लियर हुआ होगा वो कॉन्सेप्ट। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप क्वेश्चन आंसर वाले सेशंस में डाउट को सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। हम लोगों ने कल कुछ प्रश्न किए थे और एक सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 5 पे हम आगे बढ़ेंगे। आपका ये वाला जो प्रश्न है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फेफड़ों द्वारा, क्लोमो द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा और त्वचा द्वारा, है ना? इसका सही उत्तर था श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 है अल्कोहल और ऑप्शन नंबर 4 है जल, है ना? तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन। आप सभी को ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं या हम पहाड़ चढ़ते हैं उस समय पर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया करने लग जाता है, जिस समय रिजल्ट के तौर पे उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और जो हमारी मांसपेशियों में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और जैसे ही एक्यूमुलेट होता है मांसपेशियों में तो उसी पदार्थ के संचयन के कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और हमारे शरीर में ऐंठन होने लगती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लैक्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या है? लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का संचयन होता है हमारी मांसपेशियों में तो क्या होता है, अधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण ऐंठन होती है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना? इसमें लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ बनता है, ये किसकी बात हो रही है, ये मनुष्यों की बात हो रही है। मनुष्यों में जब अवायवीय श्वसन होता है यानी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है तब लैक्टिक एसिड बनता है, और जब बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है तब क्या बनता है, तब अल्कोहल बनता है। तो ये प्रश्न और ये इसके ऑप्शंस और इसका सही उत्तर सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट करेंगे। और हर एक प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है, किसी भी प्रश्न में जब डाउट होता है तो आपको चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके मुझसे पूछना है कि प्रश्न में कोई डाउट है तो, अदरवाइज मैं आपको ऑप्शंस के साथ साथ सारा डाउट क्लियर करते हुए और प्रश्न को समझाते हुए आगे चल रही हूँ। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे 2 प्रश्न, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है
उनके श्वास रंध्रों के द्वारा, एक तो ये। दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो है लैक्टिक एसिड। दो प्रश्न क्लियर हो गया सभी बच्चे। प्रश्न का और इसका ऑप्शन, उसका उत्तर अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। और रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि बिना समझे किसी भी सेंटेंस को, बिना समझे किसी भी मैटर को कॉपी नहीं करेंगे, मतलब देख करके नकल नहीं उतारनी है आपको। प्रश्न को समझ करके तभी उसको लिखना है, ताकि आपको बाद में बार बार रटना ना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में, यानी कि अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है एडल्ट, तो जब उसकी रेस्ट स्टेज हो, मतलब जब वो आराम कर रहा हो, उस टाइम में एवरेज रेस्पिरेशन का रेशियो क्या होता है, औसत श्वसन दर उसकी क्या होती है। मतलब श्वसन दर का मतलब क्या है, 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहा है वो व्यक्ति, है ना। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 9 से 12 सांसें प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 2 है 15 से 18 सांसें प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 3 है 21 से 24 सांसें प्रति मिनट। और ऑप्शन नंबर 4 है 30 से 33 सांसें प्रति मिनट। तो श्वसन दर के बारे में सभी बच्चों को पता है, मैंने आपको श्वसन दर के बारे में बताया था कि श्वसन दर वो दर होती है जो 1 मिनट में आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या होती है। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा ली गई सांसों की संख्या को श्वसन दर कहते हैं। तो प्रश्न में एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की रेस्ट करने वाले स्टेज, मतलब वो लेटा है आराम कर रहा है, ऐसी स्थिति में औसत श्वसन दर कितनी होती है वो पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 15 से 18 सांसें प्रति मिनट। अब ये आपको आंसर दिया गया है 15 से 18 सांसें प्रति मिनट, यानी कि ये वाला आंसर सही है, लेकिन आपको 1 मिनट का टाइम देना है इस प्रश्न पर, एग्जाम के टाइम में नहीं, अभी अभी आप इसको 1 मिनट का टाइम देंगे और घड़ी देख करके 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर अपनी सांसों को आपको काउंट करना है। आप गिन लीजिए अपने सांसों को, हर एक व्यक्ति की औसत श्वसन दर हर एक परिस्थिति में अलग अलग हो सकती है ना। और अगर मान लीजिए 4 दोस्त ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी की श्वसन दर, किसी की 15 सांसें चाहे 1 मिनट में, किसी कोई 18 सांस ले 1 मिनट में, कोई 20 सांस ले 1 मिनट में। तो अलग अलग व्यक्ति की श्वसन दर अलग अलग होती है। 15 से 18 सांसें प्रति मिनट आपको औसत श्वसन दर दी गई है, मतलब अगर एक दर्जन लोग हैं यानी 12 लोग हैं, उनकी श्वसन दर निकाली गई और उसको सबको प्लस करके 12 से अगर भाग करा गया, तब जो औसत दर आई वो औसत श्वसन दर कहलाई। तो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति आराम अवस्था में, विश्राम अवस्था में रेस्पिरेटरी जो उसका रेशियो होता है, जो श्वसन दर होती है, औसत श्वसन दर 15 से 18 सांसें प्रति मिनट होती है। तो प्रश्न, उसके ऑप्शंस और उसका उत्तर तीनों सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और अगर समझ में नहीं आया है प्रश्न, तो आप चैट के माध्यम से अपने डाउट को जरूर पूछेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या घ। उच्च श्वसन के समय पसलियां, ऑप्शन नंबर 1 है, बाहर की ओर गति करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, नीचे की ओर गति करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, ऊपर की ओर गति करती हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है,
बिल्कुल गति नहीं करती है। घ क्या है? उच्च श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, या बिल्कुल गति नहीं करती हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? एक्सेल के टाइम पर जब हम सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं, एक्सेलेशन के टाइम पर जो पसलियां हैं, यानी कि जो चेस्ट कैविटी की रिब केज है, जो आपके वक्ष गुहा है, यानी कि जो आपका हार्ट वार्ट को कवर करने के लिए, सेफ रखने के लिए जो हड्डियों का ढांचा होता है, जिसे हम पसलियां कहते हैं, वो सांस छोड़ते समय किधर को गति करती हैं, है ना? तो ये आप फील कर सकते हैं। अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखिए और सांस गहरी अंदर को खींचने के बाद आप जब गहरी सांस बाहर को छोड़ते हैं, उस समय आप खुद महसूस करेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर घा का, आपका प्रश्न संख्या घा का ऑप्शन नंबर 2 सही है। पसलियां जो है वो नीचे की ओर गति करती हैं। इसको आपको 1 सेकंड का टाइम लगा के खुद से अपने आंसर को चेक करना है। तो आप खुद से पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट और उसके बाद सांस लेके और छोड़ के देखिए, और ये आपको अंदाजा लगाना है कि सांस छोड़ते समय आपकी जो हड्डियां हैं चेस्ट पे, वो किधर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हाथ खड़े करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न चारों क ख ग और घ अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो कृपया करके सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 6 पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 जो है, ये बच्चों आपका एक प्रकार का मैचिंग का प्रश्न है, यानी कि सही मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें कॉलम ए में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उससे संबंधित अंगों के नाम दिए गए हैं। कॉलम ए में क में दिया गया है ईस्ट और ख दिया गया है डायफ्राम, ग लिखा गया है त्वचा, घ लिखा हुआ है पत्तियां, च लिखा है मछली और छ लिखा है मेंढक। कॉलम बी में, कॉलम टू में ईस्ट के सामने नंबर 1 पर लिखा हुआ है केंचुआ, नंबर 2 पर लिखा हुआ है क्लोम, नंबर 3 पर लिखा हुआ है एल्कोहल, नंबर 4 पर लिखा हुआ है वक्ष गुहा, नंबर 5 पे लिखा हुआ है रंध्र, नंबर 6 पर लिखा हुआ है फेफड़े और त्वचा, और नंबर 7 पर लिखा हुआ है श्वास प्रणाली। क्या? श्वास प्रणाल, है ना? तो इसका सही उत्तर आपको मैच करना है। मतलब आपको करना क्या है, क के ऑप्शन से ब, यानी कॉलम ए के ऑप्शन से कॉलम बी के ऑप्शन की मैचिंग करनी है। जैसे ईस्ट लिखा हुआ है, तो ईस्ट का संबंध किस ऑप्शन से है, यानी ईस्ट जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें वायवीय श्वसन अनुपस्थित होता है और अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन की प्रक्रिया होती है और उत्पाद के तौर पर उसमें अल्कोहल बनता है। तो इसलिए आपका क को आप 3 नंबर वाले ऑप्शन से मैच करेंगे। और इसी तरह से खा है डायाफ्राम, मध्यपट, उसको आप किससे मैच करेंगे? ग है त्वचा, उसको आप किससे मैच करेंगे? घ है पत्तियां, उसको आप किससे मैच करेंगे? च है मछली और छ है मेंढक, उसको आप किससे मैच करेंगे? तो प्रश्न सभी बच्चे निकालेंगे, उत्तर देखेंगे। उत्तर आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है।
ईस्ट जो है, यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरिया जिससे ब्रेड का निर्माण होता है, जिसको डालने से ब्रेड में खमीर उठता है, तो ब्रेड का निर्माण होता है, इससे ईस्ट नामक बैक्टीरिया में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही संभव है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही हो जाती है, और उसके उत्पाद के तौर पे ईस्ट में जब ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, उसकी श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के तौर पे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ब्रेड जब आप खाते हैं तो ब्रेड में हल्की सी जो खटास का अनुभव होता है वो उसी एल्कोहल की प्रेजेंस के कारण होता है, और जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो एल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है अंदर जब ब्रेड का डो होता है उसमें, तो इसीलिए वो छोटे छोटे छेद सी संरचनाएं बन जाती हैं। तो ईस्ट को हम मैच करेंगे पॉइंट नंबर 3 एल्कोहल के साथ। पॉइंट नंबर ख देखेंगे, डायाफ्राम या मध्यपट, उसका संबंध सीधा वक्ष गुहा से होता है ना, तो उसको नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है त्वचा। त्वचा का संबंध केचुए से इसलिए लिख दिया गया है कि जो केचुआ होता है वो अपनी त्वचा के सहारे ही क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया करता है, यानी अपनी त्वचा से ही क्या होता है, त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान कर देता है। ऑप्शन नंबर घ पे आएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर घ देखेंगे, पत्तियां। अब पत्तियां कौन से अंग से जुड़ी हुई हैं, आप सभी को पता है पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, पर्णरंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो पत्तियां जो है वो रंध्रों से जुड़ी हुई है, तो पत्तियों के सामने क्या लिखना है, पर्णरंध्र लिखना है। अगला पार्ट देखेंगे, मछली। ऑप्शन नंबर 4 में मछली है, और कौन से अंग से संबंधित है, तो क्लोम जो है वो मछली का श्वसन अंग होता है, उसको सबको नोट करना है। ऑप्शन नंबर 6 जो है, मेंढक। मेंढक जो है वो फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेने की प्रक्रिया करता है, क्योंकि वो जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो इसलिए मेंढक के ऑप्शन में, मैचिंग के ऑप्शन में फेफड़े और त्वचा लिखना है। तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और समझ करके लिखेंगे उसको, ना तो रटना है ना आपको बोर्ड से कॉपी करनी है। आप समझ चुके हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप समझे नहीं है तो आपको कॉपी अभी नहीं करना है। आई थिंक कि सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे, आशा करती हूँ सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। आगे देखेंगे हम, अगला प्रश्न है ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो ऑप्शन नंबर क में दिया गया है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो सकती है। प्रश्न संख्या जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद ऑप्शन पे आपको सही या गलत लिखना है, सत्य या असत्य लिखना है। तो अत्यधिक व्यायाम करते समय यानी एक्सरसाइज के टाइम पर व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, मतलब व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है ऐसा लिखा हुआ है, ये सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से व्यक्ति की श्वसन दर धीमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ज्यादा व्यायाम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत तेजी। ऑप्शन नंबर क का उत्तर है बच्चों असत्य। पूछो कैसे, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर जो है वो धीमी हो जाती है, तो ये आपका फॉल्स है।
पूछो कैसे? श्वसन दर तेज होनी चाहिए। जब भी हम जिम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो श्वसन दर क्या हो जाती है, सांस लेने की दर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी यानी कि तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ख देखते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यही मैं आपको सेंटेंस समझाने की कोशिश कर रही थी इस चैप्टर में, कि ज्यादातर सबको ये समझाया जाता है बच्चों को कि श्वसन प्रकाश दिन में होता है और सांस रात में ही लेता है पौधा। ऐसा नहीं है। सांस लेने का प्रक्रिया यानी श्वसन की प्रक्रिया हर जीव द्वारा जन्म से मृत्यु तक निरंतर ली जाती है। ऐसा ही पौधे के साथ भी है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया दिन रात दोनों समय होती है ना? तो ये क्या हो गया, ये भी आपका असत्य हो गया। क्या है, ये भी आपका असत्य हो गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, असत्य। ऑप्शन नंबर ग की बात करते हैं। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, यानी जो फ्रॉग होता है ये अपनी गीली त्वचा मॉइस्ट स्किन के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान करता है, और जब जमीन पे आता है, जब वो पानी में होता है, तो त्वचा का इस्तेमाल करता है अपनी श्वसन की प्रक्रिया के लिए, और जब पानी से बाहर आता है तो अपनी लंग्स का यूज करता है ना? इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आपके एम्फीबियंस कहलाते हैं, यानी जलचर भी और उभयचर भी, उभयचर प्राणी कहलाते हैं। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर सही है। घ देखेंगे। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स मौजूद होते हैं मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए, ऐसा ये कथन कह रहा है। तो ये कथन, ये वक्तव्य सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े कहाँ होते हैं? मछलियों में श्वसन के लिए किसी प्रकार का कोई फेफड़ा नहीं मौजूद होता, क्लोम्स मौजूद होते हैं। तो श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये है आपका गलत। यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, क्लोम, या जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। चा देखेंगे। अंतः श्वसन के समय यानी सांस को इनहेल करते समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, यानी सांस को इनहेल करते समय चेस्ट कैविटी का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है, मतलब बड़ी हो जाती है चेस्ट कैविटी। तो ये क्या है, ये एकदम सही है। जब हम सांस अंदर को लेते हैं तो अंदर वायु कोशों में गैस भरती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जिसके कारण जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये कैसा है, एकदम सही है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 7 उसके ऑप्शंस को उतारेंगे और उसके बाद समझते हुए उस पर सही और गलत का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये क्या है, असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ख दिया गया है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये भी क्या है, गलत है। गा दिया गया है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, ये क्या है, ये आपका सही है, सत्य कथन है। गा दिया गया है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये प्रश्न जो है, जो सेंटेंस है, वो कैसा है, वो गलत है। मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए फेफड़े नहीं होते, बल्कि मछलियों में श्वसन की प्रक्रिया के लिए क्लोम मौजूद होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर घ जो है वो है असत्य।
और चा दिया गया है अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब हम सांस अंदर को खींच रहे होते हैं तो सांस अंदर को खींचते समय जो चेस्ट कैविटी होती है उसका आयतन जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं, फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं वायु कोश बहुत सारे एल्वियोलाई। तो जब हम सांस अंदर को खींच रहे होते हैं तो करोड़ों करोड़ गुब्बारे के आकार के वक्ष वायु कोश जो है वो हमारे चेस्ट में, मतलब वक्ष गुहा के अंदर फूलते हैं, जिसे वक्ष गुहा का आयतन जो है वो, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो च है उसका आंसर ये होगा कि ये सत्य कथन है। तो आप सभी बच्चे प्रश्न, ऑप्शंस और उसका आंसर ये सब नोट करेंगे बोर्ड से देख करके। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं अपनी नोटबुक में? अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, इनको मिलाकर जीवों और उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्ग के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे और विकर्ण में पाए जा सकते हैं। तो श्वसन तंत्र और जीवों के नाम खोजिए और इन शब्दों के लिए संकेत जो है वो आपको नीचे दिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है, उसको पॉइंट आउट करना है, उसके बारे में ध्यान करना है कि उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उसका उस शब्द को उस पजल में ढूंढना है, ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर वन दिया गया है आपको, कीटों की वायु नलियां। क्या दिया गया है, कीटों की वायु नलियां। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात करें। कीटों की वायु नलियां यदि बोला गया तो आप कॉकरोच के बारे में बात हो रही, क्योंकि हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको कॉकरोच के बारे में ही पढ़ाया है। तो कीटों की वायु नलियों को हम क्या कहते हैं, वो आपके दिमाग में यदि आ गया हो तब उसको हम ढूंढेंगे उस पजल के अंदर। दूसरा ऑप्शन है, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, यानी जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो किन हड्डियों की ढांचे से कवर्ड होती है, तो उन हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं उस एरिया में, वो आपको सोचना है। उसके बाद फिर हम उसको ढूंढेंगे और उसके बाद फिर निशान लगाएंगे। तीसरा दिया गया है, वक्ष गुहा का पेशीय तल। चौथा दिया गया है, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। ये वन वर्ड आंसर टाइप का है, उसको वन वर्ड आंसर लिखने के बाद आपको उस पजल में उसको ढूंढना भी है। पांचवा दिया गया है, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र। दिया गया है, मनुष्यों के श्वसन अंग। सातवां दिया गया है, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं या हम अंतः श्वसन जिनसे करते हैं। आठवां ऑप्शन दिया गया है, एक अवायवीय जीव। ऑप्शन नंबर अगला दिया गया है, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव। बच्चों आपको इस तरीके का एक पजल दिया गया है सामने। अब इसमें आपको पहले नंबर में जो आपने अंदाजा लगाया उसको इसमें ढूंढ करके, चाहे सीधी लाइन से, सीधी रेखा से, चाहे तिरछी रेखा से, चाहे पड़ी चाहे खड़ी लाइनों से, आपको वो शब्द बनाना है और उसके बाद फिर उसको, ये अच्छा व्यायाम है आपके दिमाग के लिए, उसको आपको करना है। कुछ इस तरीके से शब्द बनाने हैं, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर वन में देखिए, कीटों की वायु नलियों को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में उसका आंसर लिखिए, उसके बाद उसको आप ढूंढेंगे।
वक्ष गुहा को घेरे हुई हड्डियों की संरचना को हम क्या कहते हैं? मैं आपको हिंट के लिए बताती हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर दो में दिया गया है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, है ना, तो वो पसलियां कहलाती हैं। तो आपको उन बॉक्स में पसलियां ढूंढना है, चाहे खड़ी रेखा से चाहे पड़ी रेखा से, उसको आपको मैच करके शब्द बनाना है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे आपका वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना है, तो यहाँ पे ये है आपका पसलियां, है ना। इसी तरह से पहले ऑप्शन से लेकर के 10 नंबर तक के आपको दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस पे वन वर्ड लिखना है ना। उसके बाद आपको बॉक्स में ये करना है। तो ये हम अगले सेशन में करेंगे बच्चों, और साथ साथ करेंगे आज की क्लास में। आई थिंक आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नोट किए होंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।